केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन कर बस ट्रक सहित अन्य वाहन चलाते समय दुर्घटना होने पर चालक परिचालक की जिम्मेदारी तय करते हुए नया कानून बनाया है। नए कानून के खिलाफ चालक परिचालक लामबंद होकर इसका विरोध कर रहे हैं। शुक्रवार को मुख्यालय पर भी चालक परिचालकों ने प्रदर्शन कर 1 जनवरी से कानून के खिलाफ वाहन संचालन बंद करने की चेतावनी तक दे डाली है। चालक परिचालक संघ के दिनेश सैन, इमरान खान आदि ने बताया कि केंद्र सरकार ने जो नया कानून बनाया है उसमें कहा है कि दुर्घटना होने पर चालक परिचालक भागे नहीं बल्कि घायल की मदद करे, उसे अस्पताल पहुंचाए, अन्यथा 10 वर्ष का कारावास और 5 लाख का जुर्माना होगा। यह कानून न्याय संगत नहीं है क्योंकि पहले तो कोई भी जानबूझकर दुर्घटना नहीं करता, यदि किसी कारण होती है तो चालक परिचालक को आक्रोशित भीड़ से बचाव के लिए वहां से भागना पड़ता है। यदि वहां रुके तो आक्रोशित भीड़ जान भी ले सकती है। ऐसी स्थिति में हमारे परिवार का क्या होगा? क्या सरकार चालक की भीड़ द्वारा पिटाई में मौत होने पर परिवार के सदस्य को शासकीय नौकरी देने के साथ ही मुआवजे के तौर पर 20 लाख रुपए देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। जिसके तहत ये सारा अन्याय है। और गाड़ी घोड़े के अंदर अगर ड्राइवरों को 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना करेंगे तो कहाँ से देंगे? वो बेरोजगारी भी बढ़ेगी और इस तरीके के फैसले से कोई फायदा नहीं है और हर आदमी को जो है इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। ड्राइवर चाहे ट्रक का हो, चाहे बस का हो, चाहे कोई मंत्री की गाड़ी का ड्राइवर है वो भी स्टेयरिंग छोड़ेगा, क्योंकि उसको भी वही धारा और वही नियम लगेगा। और अगर वहाँ जगह के ऊपर रोक के उस आदमी को अगर हॉस्पिटल ले जाने की बात आती है तो अगर उसकी सुरक्षा के लिए या उसके लिए कानून जो है 10 साल और 10 लाख कर रहा है तो ड्राइवरों को कम से कम 50 लाख रुपए और उसके परिवार वालों को एक जन को कम से कम गवर्नमेंट की नौकरी मिलना चाहिए, ऐसा नियम भी लाए वो, जिसकी वजह से ऐसे लोग कानून जो बनाया है उसको बिना सोचे समझे बनाया है। पहले भी ऐसा थोपना चाहा था आज से 2-4 साल पहले, वैसे ही अभी लॉकडाउन और कोरोना से लोग निकले नहीं है, धंधे और सारे व्यापार चालू नहीं है और ये नया एक फंदा ला के खड़ा कर दिया जिससे कि आज ये सारे ड्राइवर और सारे लोग परेशान है। इसमें बहुत सारी चीजें अर्थव्यवस्था भी बिगड़ेगी क्योंकि ड्राइवर अगर गाड़ी नहीं चलाएगा तो किस्ती नहीं भराएगी, स्वाभाविक है कि उससे सारे नुकसान ही होना है। क्या मांग करते हैं? ये मांग करते हैं कि ये कानून वापस लिया जाए और जैसा था, और अपने अलावा कोई दूसरे देश में भी ये कानून नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान में ही ला के खड़ा करा ये कानून को, बाकी जगहों पे भी ये कोई कानून ऐसा नहीं है। विरोध करते हैं आप? बिल्कुल, उसका बहुत सख्ती से विरोध करते हैं और 1 तारीख से हड़ताल पे जाएंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल। मेरा नाम मोहम्मद खलील खान। हमारी मांग ये है कि 6 साल पहले भी 50,000 का जुर्माना और 6 साल की सजा की बताई थी, उस समय भी हमने 4-5 बार हड़ताल करी, उसको कैंसिल किया गया। मगर हम नए साल में जो सरकार बनी है उस सरकार ने हमको नया उपहार दिया है, 5 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा। और चालक अगर वहाँ एक्सीडेंट होता है और जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है उसको उठा के ले जाए तो आदि, मगर मेरा ये कहना चाहता है कि अगर वो चालक, चलो हम उठा लेंगे, आपका नियम भी मानते, मगर मेरे चालक के साथ वहाँ मारा कूटी हुई या वो मर जाए मेरा चालक, तो उसके लिए सरकार क्या देगी? तो हम ये चाह रहे हैं कि नियम से कोई भी कायदा कानून बने, चालक आप रुकने का कह रहे हो कि रुको तो रुके ना, कि पब्लिक मारे तो हमारे लिए कोई नहीं। तो अगर हमारा चालक रुकता है ना, उसके साथ मृत्यु होती है तो उसको कम से कम 50 लाख रुपए और उसके घर में सास की सवारी उनको देना चाहिए। हम आपका नियम मानेंगे, हम आपका नियम मान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हमको। 10 साल की सजा मानिए, 5 लाख का जुर्माना। मगर मेरा चालक अगर, मेरा नहीं, मेरा भाई लोग, मैं भी चालक ही हूँ, मगर हम लोग रुके ना, हम उसको लेके जाए और उनने हमको पब्लिक ने मार डालना, तो मेरे परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? ये मेरे को सरकार बताए, गवर्नमेंट जवाबदारी ले रही है। और हम एक तारीख से अनिश्चितकालीन पे हड़ताल पे जा रहे हैं। हमें चालक, हम तुम्हारा, हम स्टीयरिंग छोड़ रहे हैं हमारी स्वेच्छा से, किसी का कोई 5 लाख रुपए होते किसी से मजबूरी में नहीं, कोई दबाव में नहीं, क्योंकि हमारे पास 5 लाख होता और 10 साल की सजा खाते तो हम गाड़ी नहीं चलाते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दिनेश बिरता बाबूलाल सेन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़।
हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।